कल के एपिसोड में एक कमेंट था, एक दर्शक ने लिखा था, आशीष भाई मैंने अभी नोटिस किया अगर आप थोड़े से बाल बढ़ा लोगे तो धोनी लगोगे। वहीं एक और कमेंट था जिसमें लिखा गया आप थोड़े बाल बड़े कर लो तो मलिंगा दिखोगे। ये दो कमेंट मेरे जीवन के ऑफिशियल आए मोमेंट हैं, क्योंकि मुझसे बाल बड़े करने को कहा जा रहा है, लेकिन धोनी और मलिंगा दोनों के बड़े बाल हैं वो तो एक जैसे नहीं लगते। हालांकि कुछ तस्वीरें जरूर आई थी जिसमें धोनी बिना बाल के दिखाई दे रहे थे। हुआ ये था कि कुछ दिन पहले वायरल ट्वीट में दावा किया जा रहा था कि मगध यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने चाणक्य का 3D मॉडल बनाया है। तस्वीरें किससे मिलती थी? धोनी से। हालांकि बाद में ये बात फेक निकली। हाय, मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। बताएंगे आज के शो में क्या है खास। अवध ओझा ने चुनाव लड़ने की बात पर यह सुना दिया, बांग्लादेश में लोगों ने रिक्शा की बना डाली ट्रेन, बर्थडे पर ऐसा किसी के साथ ना हो और पिक ऑफ द डे दिखाएंगे मम्मी को क्या सुना डाला इस लड़के ने। चुनाव आया और यूपीएससी कोच और टीचर अवध ओझा कीवर्ड बन गए। चुनाव लड़ेंगे वाली अटकलें उनके शॉर्ट से ज्यादा वायरल होने लगी। आती हुई हर तस्वीर पर खबरें उस तेजी से छपने लगी जिस तेजी से पेपर लीक की खबरें छपा करती हैं। एक फोटो आई यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ, जिस पर लोग लिखते मिले कि सूत्रों से खबर आ रही है कि गोंडा की लोकसभा सीट बिजभूषण शरण सिंह के बजाय अवध नारायण ओझा को दी जा रही है। यह ओझा जी वही हैं जो पिछले 2-3 साल से सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रहे थे। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनका लक्ष्य क्या था। एक और तस्वीर चली जिसमें भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा के साथ उनकी एक तस्वीर थी, मतलब एक ही फ्रेम में दिख रहे थे, उसके भी लोग अपने हिसाब से मतलब निकालते हुए नजर आ रहे थे। इस सब के बीच सोशल मीडिया पर ऐसी बातें खूब चली कि वो भाजपा से चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर लोग लिखते मिले कि अवध ओझा भाजपा से चुनाव अगर लड़ते हैं तो मुझे हैरानी नहीं होगी, उनका धीरेन शास्त्री को लेजिटिमाइज करने वाला वीडियो देखकर मुझे उनका स्तर पता चल गया था। एक इंटरव्यू में वो लोहिया, बाबा साहब, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और महात्मा गांधी के सपने पूरे करने की बातें कर रहे थे। देखकर लोगों ने कहा कि जो व्यक्ति यूपीएससी का पूरा सिलेबस नहीं ढंग से पढ़ा सकता है वो बोल रहा है कि इनको देख के स्टूडेंट्स भी आईएएस बनने का सपना नींद में भी देख लेते हैं। लोहिया, अंबेडकर, नेहरू, पटेल, गांधी सबका अधूरा बचा हुआ काम पूरा करेंगे, मतलब कुछ भी। अवध ओझा सर सीधे बोलिए ना कि पैसा कमाना है। अवध ओझा बृजभूषण सिंह की जगह पर लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा सर की बातें आई। सोशल मीडिया पर दावे चले कि बृजभूषण शरण सिंह की जगह बीजेपी अवध ओझा को देगी टिकट सूत्र। ऐसी बातें आई तो लोग एक वीडियो चलाने लगे जिसमें लिखा था कि अवध ओझा कह रहे हैं राजा हैं वो हमारे यहाँ के, साथ ही वीडियो में बात सुनाई दे रही थी कि ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ कहते हैं बृजभूषण सिंह का पता तो पेड़ से भी पूछ लो। लोग लिखते मिले कि छात्र अगर अवध ओझा की 20% बातें भी मान लें तो सिलेक्शन मिले ना मिले 2-4 FIR जरूर लिख जाएंगी। सब ने सब प्रकार की बातें लिख ली तो बारी आई फिर अवध ओझा की। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट, ये जो ट्विटर अकाउंट हम दिखाएंगे उन्हीं का ट्विटर अकाउंट है, हमको कैसे पता चला क्योंकि इनकी वेबसाइट से यही ट्विटर अकाउंट लिंक्ड है, यही जुड़ा हुआ है। पर अव्वल तो उन्होंने लिखा कि पैसा तो हूँ नहीं जो सबको पसंद ना हूँ, जय हिंद। उसके बाद एक खबर का लिंक शेयर किया, वीडियो का टाइटल था यूपी न्यूज, कैसरगंज से अवध ओझा ने बृजभूषण शरण के डर की वजह से चुनाव लड़ने से इनकार किया। इस पर अवध ओझा ने लिखा ये सब फर्जी उड़ाया तब तो जरूर लड़ेंगे लगे हाथ। इस ट्वीट को पिन भी कर दिया, मैंने चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े या ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक ये बात पहुँचे। इस ट्वीट का लोगों ने स्वागत किया। किसी ने कहा कि आइए मैदान में भैया, हम सब आपके साथ हैं, पूर्ण बहुमत से आप जीतेंगे, सादर प्रणाम। इनका तो मैं नहीं कह रहा अवध ओझा का, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ऐसे भैया भैया आगे बढ़िए टाइप के लोग हो ना कहने वाले, भैया दीदी कुछ भी कहेंगे, भैया दीदी आगे बढ़िए, भाग जाइए ऐसे लोगों से दूर। खैर, किसी ने लिखा खुद लड़के देख लो ओझा साहब, 100 वोट मिल जाएं तो आपका गुलाम। YouTube पर बकलोली अलग बात है लेकिन ग्राउंड पर तो लोग पैसा खाकर भी वोट नहीं देंगे। ऐसे लोग भी आपकी ज़िंदगी में हो ना, इनसे भी दूर भाग जाइए, ये कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स, ये वाक्य आपने सुना ही होगा। भयंकर सा कुछ काम हो रहा हो तो फौरन ही से इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अपलोड कर लिख दिया जाएगा कि इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। इसी का भयानक रूप कहीं दिख जाए तो ये भी लिख दिया जाता है कि इंडिया इज़ नॉट इवन फॉर एक्सपर्ट। इन्हीं तरह का एक वीडियो बांग्लादेश से वायरल है। वीडियो को कैप्शन दिया गया बांग्लादेश इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स और वीडियो में 7 रिक्शे वालों ने रिक्शे के ऊपर रिक्शा रखकर अपनी एक ट्रेन बना ली थी। सबके पीछे वाले पहिए ज़मीन में है और आगे वाले पहिए सामने वाले रिक्शे पर रखे हुए हैं। रिक्शे वाली ट्रेन चली जा रही है, वीडियो देखिए। हिंदी में एक शब्द होता है जन्मदिन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बर्थडे। जन्मदिन को इंग्लिश में बोलने के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इसको अगर जल्दी जल्दी बोला जाए तो बर्थडे बर्थडे होते होते बैड डे में ज़्यादा अंतर नहीं रह जाता। एक बच्ची का बर्थडे था, भीड़ जुटी केक कटा, लेकिन इस दौरान मेहमानों ने इस बच्ची के बर्थडे को बैड डे में परिवर्तित कर दिया।
कल क्या हुआ था, सोशलिस्ट के शुरुआत में मैंने बताया था कि मैं आपको जेसीबी और रोड रोलर के बारे में बताऊंगा, लेकिन ठीक है, भुलक्कड़ आदमी हूँ, भूल गया, आज बता देता हूँ। कुछ साल पहले इंटरनेट अचानक से जाग पड़ा था और इकट्ठे सबने बनाए थे मीम्स, समाज के मीमर्स, चुटकुलेबाज सब एक साथ एक मंच पर आए और बताया जेसीबी की खुदाई देखने की महत्ता। ध्यान दें, जेसीबी की महत्ता नहीं, जेसीबी की खुदाई की महत्ता नहीं, जेसीबी की खुदाई देखने की महत्ता। सैकड़ों मीम्स बने, जोक बने, हालांकि मैं मानता नहीं हूँ कि ऐसे लोगों का अस्तित्व है, मगर जिन लोगों को जेसीबी की खुदाई देखनी अच्छी भी नहीं लगती, वो भी बेचारे पीयर प्रेशर में आके जेसीबी की खुदाई इन्जॉय करने लगे थे। लेकिन हम सालों बाद उसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक रील दिखी गुड़गांव की थी। अरे घबराइए मत, हम अलू शहरों की बात नहीं कर रहे हैं, बात कुछ और है। तो गुरुग्राम का एक वीडियो चल रहा है जिसमें जेसीबी तो नहीं थी, रोड रोलर था, लेकिन बड़ी मशीन तो थी ही, देखने के लिए जुट गई भीड़। वीडियो में लिखा गया कि गुड़गांव में रोड्स का बनना कोई मजाक है, यही है जो पीढ़ियों को एक साथ ला रहा है। देखिए आप भी पीढ़ियों को साथ आते। जीवन में बस एक चीज का दुख मुझे सबसे ज्यादा लगता है, वो है जब भी कभी पंगत में खाने बैठो तो पहले तो दोना देर से आता है, फिर खाना देर से आता है, सब्जी खत्म हो और मंगाओ तो उसके आते आते पूरी सूखी ही खत्म कर देता हूँ, और फिर वही सब्जी के साथ होता है। पंगत में बैठे बैठे बेवजह मुझे थानोस बनना पड़ता है और सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड रखना पड़ता है। लेकिन ऐसी ही पंगत का एक वीडियो वायरल है। वीडियो में दोना और तमाम चीजें देने वाला इतनी स्पीड से चीजें दे रहा है, एकदम ही हैट्स ऑफ मोमेंट हो गया। देखिए आप भी वीडियो। तो कुछ दिन पहले हुआ था इंस्टाग्राम और फेसबुक डाउन, त्वरित रिएक्शन तो सामने आ गए थे, लेकिन जो दुर्घटना हुई थी उसका रिएक्शन अब तक आ रहा है। जैसे एक वीडियो दिखा, वीडियो में क्या हो रहा है, हो गया है उनो रिवर्स, यानी एक लड़के ने आज के मम्मी पापा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। लड़के की मम्मी ने इंस्टा फेसबुक ना चलने पर अपने बेटे से पूछा होगा, उसी पर लड़के ने ले ली मौज, कहा कि मोबाइल देखने से बेहतर है पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो। देखिए अभी ये विशुद्ध मस्ती से भरा वीडियो। ये औरत मेरे को कह रही है, एक घंटे से मेरा इंस्टा नहीं चल रहा, फेसबुक नहीं चल रहा, क्या हुआ है मेरे को जरा बता, काम पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, आईएएस वाईएएस बनो। क्या सारा दिन फेसबुक इंस्टा, इधर देखो इधर, हेलो क्या बताओ, इंस्टाग्राम देख रहे हैं मुझे, फेसबुक देख रहे हैं मुझे, पढ़ाई कौन करेगा, मैं पढ़ाई नहीं करती, मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले, टाटा।